नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बीबी की ट्रेंड्स में। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो इंडियन एक ऐप आया है रोबो शो के बारे में। आप सबने काफ़ी सारा टिकटॉक यूज़ किया और टिकटॉक यूज़ करके शायद आप लोगों को उस तरीके से एडिक्शन हो गई होगी कि आप टिकटॉक के बिना शायद आपको मन नहीं कर रहा होगा कुछ और करने का, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक्ट होता है ना करने का, और वो जब एक आदत बन जाती है तो फिर लोगों के अंदर उस चीज़ की भावना जागती रहती है। तो टिकटॉक के बैन होने के बाद कई लोग जो एक्टिंग या फिर ड्रामा या फिर इसी तरीके से बॉलीवुड पे एक्ट किया करते थे या बॉलीवुड सॉन्ग पे या डायलॉग्स पे, उनकी इच्छाएं दब गई थी, जो अब भारतीय एक ऐप रोबोसो जो आया है उसके थ्रू आप उस चीज़ को दोबारा से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा रोबोसो की। रोबोसो जो है एक टोटली इंडियन ऐप है, इससे पहले भी दो तीन ऐप्स आई थी जिसने टिकटॉक को रिप्लेस करने की कोशिश किया था, बट वो जो ऐप्स थी वो किसी काम की ऐप्स नहीं थी, या उनमें बग्स बहुत ज़्यादा थे या कुछ दिक्कतें थी उनमें। बट रोबोसो को जितना मैंने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली रोबोसो एक बहुत ही अच्छा ऐप है, मींस टिकटॉक को टक्कर देने वाला ऐप है। और हालांकि टिकटॉक को काफ़ी देर हो गया था आए हुए, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप एक फील्ड में बहुत देर से होते हैं तो वो जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, बग्स आप रिजॉल्व करते हैं। उसी तरीके से अब जब रोबोसो आया है, रोबोसो को आप यूज़ करना शुरू करें। मेरा इस वीडियो का आप तक पहुंचाने का बस इतना सा मतलब था कि टिकटॉक अगर आप यूज़ करके एडिक्टेड हो चुके हैं या टिकटॉक यूज़ करने का आपका मन कर रहा है, तो मैं तुम्हें सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप लोग जो है रोबोसो यूज़ करें। रोबोसो जो है एक भारतीय ऐप है, सबसे पहली बात है। सेकेंडली, आपको जो भी आपकी प्राइवेसी है उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। थर्डली, जब आप इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, इट आस्क फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर जस्ट फॉर द OTP पर्पज़। उसके बाद आप सिर्फ अपना नाम और उसके बाद आपका जो जेंडर है एंड योर एज, बस यही डालते हैं। आपको ईमेल आईडी भी नहीं डालेंगे कि इवन दो आपको लगे कि शायद मैं ईमेल डाल रही हूँ या डहा हूँ और इस ईमेल का मिसयूज़ ना हो, मीन्स इस ईमेल पे जो है बाद में प्रमोशनल मेल्स ना आना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा ही नहीं, आपसे सिर्फ एक नंबर लेगा, वो भी सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, ताकि फेक आईडीज ना बन सके। क्योंकि आपको पता ही है टिकटॉक में जैसे कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी थी, रोबोसो में भी हो सकती है कंट्रोवर्सीज, तो उस कंट्रोवर्सीज को काउंटर करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं जिसके थ्रू वो OTP भेज के वेरीफाई करते हैं कि आप ऑथेंटिक यूज़र हैं। और इसके आगे अगर मैं बात करूँ रोबोसो की, रोबोसो बिल्कुल टिकटॉक की तरह ही है, जिसे आप स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करके आप अपना जो है जैसे टिकटॉक में आप वीडियोस देखते हैं उसी तरीके से आप वीडियोस देख सकते हैं। इसमें भी किस सब्जेक्ट में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, जिसे आप स्लाइड करके चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, इवन दो इसमें आपको ये भी दिखाएगा कि पहले आपको दिखाता था कि कितने लव मीन्स कितने लाइक्स मिले वीडियो पे, बट रोबोसो में आपको ये भी दिखाएगा कि आपकी वीडियोस में कितना वॉच आया है, कितने व्यूज़ आए हैं और उनमें से कितनों ने लाइक किया है। दैट मीन्स अगर आपके वॉच बहुत ज़्यादा हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और लाइक्स कम है, आपको अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मीन्स आपको यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अपने आपको इम्प्रूव करने का। तो आगे मैं बात करूँगा रोबोसो में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट ओपन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, आपको रोबोसो ऐप जो है डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करेंगे तो आपका इंटरफेस इस तरीके का खुलेगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है लिखा हुआ आएगा कि एक भारतीय ऐप है। उसके बाद आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर डालना है जिसके थ्रू आपको OTP आएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद अपना नाम, आपका जेंडर और आपका एज जो है वो इसमें आप डालेंगे और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ करें, इसमें काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में, बट इस ऐप को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। और एक ऐप तब तक यूज़फुल नहीं है जब तक उसमें कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब इस इंडिया के ऐप को यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि आप इंडिया के ऐप को यूज़ करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो पीछे जो ट्रेंड हुआ था #ChinaBoycottChina, #BoycottChineseApps, products, तो अभी हमने बायकॉट कर दिया है, कई चीज़ें इंडिया में बंद हो चुकी है। अब बारी है सपोर्ट योर नेशन का। सपोर्ट योर नेशन का मतलब है अब आप कुछ भी करेंगे उससे सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे कि उस चीज़ का आपके नेशन को किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो अगर आप एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी कोई ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सपोर्ट योर नेशन एंड यूज़ योर इंडियन ऐप, योर इंडियन डेवलप्ड ऐप्स,
आप उनको यूज करेंगे तो आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट देने के लिए इस ऐप को यूज करें। चलिए अब हम सपोर्ट इंडियन नेशन ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं और अपने देश को सपोर्ट करने के लिए अपने देश के एप्लीकेशन का यूज करना शुरू करते हैं। जस्ट पहला एक एप्लीकेशन है जिसने आपके सबसे बड़ी लिस्ट में जो बैंड एप्लीकेशन थी उनमें सबसे टॉप पर जो एप्लीकेशन थी टिकटॉक, उसको रिप्लेस करने के लिए रोपोसो आ गया है। अब बाकी जो छोटे मोटे ऐप बचे हैं वो ऐसे ही रिप्लेस हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ आप सबसे कि आप इस ऐप का इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें, जितना कंटेंट बना सकते हैं बनाइए। मेरी एक बात का ख्याल हमेशा रखें, कोई भी कंटेंट देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, कोई भी कंटेंट किसी को दुख देने लायक नहीं होना चाहिए और कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो जो बहुत क्रीपी हो। आप अच्छा कंटेंट बनाइए, मोटिवेशनल कंटेंट बनाइए, एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाइए, आप जैसा चाहते कंटेंट बनाइए और सब देश, पूरा देश, पूरा नेशन आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। बट कंटेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, कंटेंट हमेशा अच्छा हो, कंटेंट किसी के लिए यूजफुल हो, मींस उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो। तो आज का वीडियो रोपोसो के ऊपर था। आई होप आप सब लोग रोपोसो यूज़ करना शुरू करेंगे और टिकटॉक को भूल जाएंगे। अगर टिकटॉक वापस भी आता है तो आई होप आप लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे अब। तो चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बाय बाय।